श्री राम, सबके अंतरस्थ परमात्मा को प्रणाम। श्री राम, आज के प्रथम वर्चुअल सत्संग के सहभागी बनने के लिए यूएसए अमेरिका रामानंद संत आश्रम परिवार आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता है। सीतानाथ समारंभाम रामानंदाय मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे जगत गुरु परंपरा। भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, भगवान और भगवत तत्व, ये चार श्री गुरुदेव के स्वरूप है, परंतु वास्तव में ये तत्व रूप से एक ही है। आइए उनके श्री चरणों की पूजन करके सारे विघ्नों का नाश करने के सहभागी बनते हैं। हम सब मिलकर इस अत्यंत आनंदी अवसर को हृदयंगम करते हैं। मैं ओम और सिद्धार्थ से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो सत्संग की शुरुआत गुरु वंदना से करें। सौम्य जय श्री राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बंदौ गुरु पद पदुम पराग सुरुचि सुभाष सरस अनुराग। ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्मणे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदया। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। खूब धन्यवाद ओम और सिद्धार्थ, भाव पूर्वक गुरु वंदना करके हम सबको कृतार्थ करने के लिए। सत्संग पूजन को आगे बढ़ाते हुए हम हसमुख चाचा से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो हम सबको आज के पर्व के अनुरूप संबोधन करें। सौने सादर सप्रेम जय श्री राम। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। रामानंद गुरुम नमामि भगवद राम स्वरूपम परम। कलिपावनावतार भगवान श्री राम स्वरूप त्याग तपस्या प्रेम करुणा तथा परमानंदनी साक्षात मूर्ति पूज्य जगत गुरु श्री स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ना श्री चरणों में कोटिशह प्रणाम। अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री दादा गुरु भगवान ना श्री चरणों में कोटिशह प्रणाम। परब्रह्म स्वरूप परमहंस त्रिगुणातीत अखिल ब्रह्मांड नायक महामंडलेश्वर महांत कृपा सागर अने करुणा मूर्ति पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ना श्री चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम।
सकल सृष्टि ना परमाधार, सगुण निर्गुण तथा बन्ने थी पर, करुणा वरुणालय परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर श्री सीताराम जी ना युगल पादार विंदवा कोटिशह प्रणिपात। गुरु महिमा बे पांच मिनिट में गावो अशक्य छे, छता संक्षिप्त में हूँ अपना गुरुदेव प्रत्ये अहोभाव व्यक्त करवानो प्रयत्न करीश। आजे गुरु पूर्णिमा, अषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, मानव जगत ने अनेक शास्त्रों पुराणों ग्रंथों की भेंट आपना परम श्रद्धेय कृष्ण द्वैपायन पूज्य श्री महर्षि वेद व्यास जी नो आजे प्राकट्य दिवस। व्यास पूर्णिमा ना रूप में जगत आजे तेमनो गुरु रूप में स्वीकार करीने तेमनु पूजन अर्चन करे छे। एज व्यास पूर्णिमा ने सौ गुरु पूर्णिमा रूपे पोतपोताना श्री गुरुदेवनु पूजन अर्चन करी तेमना प्रत्ये श्रद्धा कुसुमांजलि अर्पण करीने अहोभाव व्यक्त करे छे। श्री गुरुदेव प्रत्ये अहोभाव व्यक्त करवानो आ पवित्र अवसर अपना जीवन में प्रतिवर्ष आवतो रहे छे। अने आपणे अपना श्री गुरुदेवनु पूरा भाव थी, पूरी श्रद्धा थी पूजन अर्चन करीए छीए। प्रत्येक साधक माते आजनो दिवस तेनी जिंदगीनो सर्वश्रेष्ठ दिवस छे। अपना गुरुदेव आपणो सर्वस्व छे, अपना माते तो तेओ परब्रह्म परमात्मा श्री राम ज छे, एटले ज तो आपणे सौ कायम तेमने श्री राम ज कहीए छीए। गुरु गीता में स्पष्ट कह्युं छे, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात ब्रह्मानी जेम मंत्ररूपी बीज द्वारा तेओ आपणुं नवसर्जन करे छे, विष्णुनी जेम तेओ आपणी साधनानुं रक्षण पोषण करे छे, आपणुं मार्गदर्शन करे छे, आपणने प्रोत्साहित करे छे, अने महेश शिवजीनी जेम तेओ आपणा विकार विकृतिओ અને દોષ દુર્ગુણોનો નાશ કરે છે। તેઓ આપણને આપણા આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરાવે છે। ગુરુ વિના આત્મજ્ઞાન અને આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ અશક્ય છે। શાસ્ત્રોમાં ગુરુનો મહિમા ખૂબ ગવાયો છે। ગુરુનો મહિમા ગાતા કબીરજી સ્પષ્ટ કહે છે, ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કાકે લાગુ પાય, બલિહારી ગુરુ આપકી ગોવિંદ દિયો મિલાય। गुरु विना परमात्मा की प्राप्ति अने मानवीनु जीवन अधूरू छे। श्री रामचरित मानस में श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कहे छे, गुरु विनु भवनिधि तरई न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। गुरु विना कोई भवसागर तरी सकतु नथी, भले ते ब्रह्माजी अने शिवजी समान शक्तिशाली केम न होय। आपणुं ए अहो भाग्य छे के आपणने ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરાવી શકે એવા પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ સમર્થ ગુરુદેવ મળ્યા છે। એટલી સહજતાથી, એટલી સરળતાથી મળ્યા છે કે આપણને એમનું મૂલ્ય જ સમજાતું નથી। આવો આજે ગુરુ પૂર્ણિમાના પવિત્ર દિવસે આપણે સામૂહિક રૂપે શ્રી સદગુરુદેવ ભગવાનને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ કે પ્રભુ અમે આજથી અમારા સદ આચરણ દ્વારા તમને પ્રસન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું। અમારા વ્યવહાર વર્તનમાં અમે જરૂર પરિવર્તન લાવીશું, સાચા માર્ગ પર અમે આગળ વધીશું અને જે શેષ સમય છે તેનો પૂરેપૂરો સદુપયોગ કરીશું। અમારે હૃદય મેં રામ ભક્તિ પ્રકટ હો ઓર હમે આપકે ચરણ કમલ કા સ્નેહ મિલે ઉસકે લીએ આપ જો ભી પ્રેરણા કરેંગે હમ ઉસી કે મુતાબિક હમારા શેષ જીવન બનાયેંગે પ્રભુ। परंतु गुरुदेव हम सब जड़ जीव हैं, मोहासक्त छे, तमारी प्रबल माया थी आवृत छे, तेथी जन्मो जन्म अमे अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता रहिए छे अने परमार्थ पथ पर अग्रसर थई शकता नथी। अमारी कोई क्षमता योग्यता पात्रता नथी प्रभु, अमारा मां श्रद्धा विश्वास प्रेम नथी भक्ति नथी शक्ति नथी। गुरुदेव અમે તમારા બાળકો, તમારી પાસે બીજી કોઈ માગણી નથી કરતા, પણ એટલી કૃપા કરો પ્રભુ કે અમારા કુંભકર્ણ રૂપી અહંકાર અને રાવણ રૂપી મોહને હરી લો હરી।
અને અમારી પાસે ઔપચારિક નહીં પરંતુ સાચી યથાર્થ દ્રઢ શરણાગતિ કરાવો. તમારી જ કૃપાથી અમને તમારી પ્રેમા ભક્તિ પ્રાપ્ત થાઓ. અમને પવિત્ર નિર્દોષ દ્રષ્ટિ મળો જેથી અમને આખું જગત પરમાત્મામય દેખાય, શ્રીરામમય દેખાય. વિશ્વરૂપ રઘુવંશ મણી પ્રભુ, તમારી કૃપાથી તમે બતાવેલ માર્ગ પર અમે ચાલી શકીએ. તમારા શ્રીચરણોમાં સ્થાન મેળવી અમે અમારા જીવનને સાર્થક કરીએ. તમારો વરદ હસ્ત અમારા મસ્તક ઉપર ફરતો રહે એવી યોગ્યતા, એવી પાત્રતા કેળવવા અમે જરૂર પ્રયત્નો કરીશું. અંતમાં સાર્વભૌમ અસ્તિત્વમાં તમારી પ્રેમા ભક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ કરી વિશ્વનું કલ્યાણ કરો એ જ પ્રાર્થના સહ કોટી કોટી પ્રણામ આપના શ્રી ચરણોમાં શ્રીરામ. શ્રી સદગુરુદેવ ભગવાન કી જય. શ્રી રામાયણીજી મહારાજ કી જય. મુદમંગલમય સંત સમાજ કી જય. જય શ્રીરામ. ખૂબ ધન્યવાદ હસમુખ ચાચા, અત્યંત ભાવપૂર્વક સંબોધન કરને કે લીએ આજ કે પર્વ નિમિત્ત. ભક્ત ભક્તિ ભગવાન ગુરુ ચતુર નામ વપુ એક, ઇનકે પદ વંદન કીએ નાશો વિઘ્ન અનેક. આઈએ હમ સબ મિલકર શ્રી ગુરુદેવ કી ચરણ પાદુકા કા પૂજન કરતે હૈ. હમ પાદુકા પૂજન સ્તોત્ર કા ભાવાર્થ સહિત ગાન કરેંગે ઓર આશીષભાઈ એવં પરિવાર પાદુકા પૂજન કરેંગે. હમ સભી દર્શકો સે અનુરોધ કરતે હૈ કે પાદુકા પૂજન કે ભાવ કો અપને હૃદય મે હૃદયંગમ કરે હમારે સાથ મિલકર કે. નમો ગુરુભ્યો ગુરુપાદુકાભ્યો, નમઃ પરેભ્યો પરપાદુકાભ્યઃ, આચાર્ય સિદ્ધેશ્વર પાદુકાભ્યો નમો નમઃ શ્રી ગુરુપાદુકાભ્યો. સર્વ શ્રી ગુરુઓને નમસ્કાર હો. સર્વ શ્રી ગુરુઓની પાદુકાને નમસ્કાર હો. શ્રી ગુરુદેવના ગુરુદેવ અર્થાત આપણા દાદા ગુરુદેવની પાદુકાને નમસ્કાર હો. આચાર્ય અને સિદ્ધેશ્વરો અર્થાત સિદ્ધિ અને વિદ્યાઓના સ્વામી અને એમની પાદુકાને નમસ્કાર હો. વારંવાર શ્રી ગુરુદેવની પાદુકાને નમસ્કાર હો. એંકાર હિંકાર રહસ્ય યુક્ત શ્રીંકાર ગુઢાર્થ મહાવિભૂત્યા, ઓંકાર મર્મ પ્રતિપાદિનીભ્યાં નમો નમઃ શ્રી ગુરુપાદુકાભ્યાં. જે વાગ બીજ એંકાર અને માયા બીજ હિંકારના રહસ્યથી યુક્ત ષોડશ બીજ શ્રીંકારના ગુઢ અર્થને મહાન ઐશ્વર્ય વગેરે પ્રગટ કરનાર મર્મ સ્થાન પર આઘાત કરી પ્રગટ કરનાર એવી શ્રી ગુરુદેવની પાદુકાને નમસ્કાર હો. નમસ્કાર હો. નમસ્કાર હો. હોત્રાગ્નિ હોત્રાગ્નિ હવીશ હોતુ, હોમાતિ સર્વ કૃતિ ભાસમાનામ, યદ બ્રહ્મ તત બોધ વિતારિણીભ્યાં નમો નમઃ શ્રી ગુરુપાદુકાભ્યાં. હોત્ર અને હોત્રા આ બંને પ્રકારની અગ્નિમાં હવન સામગ્રી, હોમ કરનાર હોતા અને હોમ વગેરે આ બધામાં ભાસમાન એક જ પરબ્રહ્મ તત્વનો સાક્ષાત અનુભવ કરાવનાર શ્રી ગુરુદેવને અને શ્રી ગુરુદેવની પાદુકાને નમસ્કાર હો. નમસ્કાર હો. નમસ્કાર હો. કામાતિ સર્પ વ્રજ ગારુડાભ્યાં, વિવેક વૈરાગ્ય નિધિ પ્રદાભ્યાં, બોધ પ્રદાભ્યાં, ધૃત મોક્ષદાભ્યાં,
नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। जे अंतकरणना काम क्रोध वगैरे महासर्पोना विष ने उतारनार विष वैद छे। विवेक अर्थात अंतर्ज्ञान अने वैराग्यना खजाना ने आपनार छे। जे प्रत्यक्ष बोध प्रदायिनी छे, शीघ्र मोक्ष आपनारी छे, एवी श्री गुरुदेवनी पादुकाने नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। अनंत संसार समुद्र तार नौकाइताभ्याम स्थिर भक्तिदाभ्याम जाड्याप्ति संशोषण वाड़वाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। अनंतहीन संसार सागर ने पार करवा माटे जे नौका बनी गई छे, जे अविचल भक्ति आपनारी छे, प्रमाद आळस अने अज्ञान रूपी जड़ताना समुद्र ने सुकाववा माटे जे वड़वा नळनी अग्नि समान छे, अर्थात समुद्र नी अंदर रहनारी अग्नि समान छे, एवी श्री गुरुदेव नी पादुका ने नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। श्री राम, अति दुर्लभ भक्ति रूप के भाव को हृदयंगम करने के लिए हम संकेत भाई से अनुरोध करें कि हमको भजन सुनाकर कृतार्थ करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। गुरु चरणों में पूजन का कोई ढाल सजाता है। गुरु चरणों में पूजन का कोई ढाल सजाता है परमात्मा खुद आकर तब दीप जलाता है। परमात्मा खुद आकर तब दीप जलाता है। कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है। कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है। परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है। कोई बालक बन चरणों में जब विनती सुनाता है। कोई बालक बन चरणों में जब विनती सुनाता है
परमात्मा खुद आकर गोदी में बिठाता है। परमात्मा खुद आकर गोदी में बिठाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। गुरु चरणों के कोई अर्द चढ़ाता है, गुरु चरणों में अश्रु के कोई अर्द चढ़ाता है। परमात्मा खुद आकर पलकों में बिठाता है। कोई शीश गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। परमात्मा खुद आकर तब दीप जलाता है। परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है। जय श्री राम। खूब धन्यवाद संकेत भाई, अत्यंत भावपूर्ण भजन सुनाने के लिए। हम तृप्ति और पीयूष भाई से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो रामायण के अंदर श्री गुरुदेव की पूजन की चौपाई का गान करके हम सबको कृतार्थ करें। So
तुझसी रामचरित मनिहानित गुप्त प्रकट जाहे जो जेहि खानित श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम देवेंद्र सरकार की जय श्री जनक नंदिनी जानकी माता की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय श्री दादागुरुदेव भगवान की जय श्री परम कृपालु परम दयालु श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय राम नाम की करे गर्जना भाग जाए सीताराम। श्री राम खूब धन्यवाद तृप्ति अत्यंत भावपूर्वक चौपाई सुनाने के लिए। भक्ति रस की महारानी मीराबाई जो कुछ साल पहले ही अपने जीवन में गुरु भक्त की चरम सीमा को चरितार्थ करके हम सब के लिए गुरु भक्ति का गुरु भक्ति के गुरु भक्ति को प्रज्वलित करके गई है। आइए हम सब संकेत भाई से मीराबाई की गुरु भक्ति का गुरु भक्ति के भजन का गुरु भक्ति के भजन को सुनकर कृतार्थ करते हैं। कौन वगैरह चाहिए okay. जित बिठरावे कित ही बैठूं जो पहरावे सोई सोई पहरूं मेरी उनकी प्रीत पुरानी बेचे तो बिक जाऊं गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा देव अलख अभेव गुरु मेरा देव अलख अभेव सर्व पूज चरण गुरु सेवा सर्व पूज चरण गुरु सेवा गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा Thank you.
गुरु बिना ज्ञान हृदय धान, गुरु बिना ज्ञान गुरु हृदय धान, गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु की शरण, रहो कर जोड़ गुरु की शरण, रहो कर जोड़ गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। खूब धन्यवाद संकेत भाई अत्यंत भावपूर्ण भजन सुनाने के लिए। हम गुरु वंदना के कुछ श्लोक का गान करते हैं। एकं नित्यं विमलम अचलम् सर्वदीशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भावार्थ, जे चैतन्य स्वरूप शाश्वत शांत अने आकाशथी पर निरंजन नाद बिंदु अने कलाथी अतीत छे एवा श्री गुरुदेव ने नमस्कार हो। अभी अभी संकेत भाई के भजन ने श्री गुरुदेव के प्रति हमारे भाव को प्रकट किया और आगे हम श्री गुरु वंदना के श्लोक के द्वारा हमारे श्री गुरुदेव का वर्णन करते हैं। ओम चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नाद बिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरु रुवे नमः। दूसरे श्लोक का भावार्थ देखते हैं। पहले श्री गुरु मूर्ति नु नित्य स्मरण करूं, श्री गुरु ना नाम नो कायम जप करूं, श्री गुरुदेव नी आज्ञा नु पालन करूं, श्री गुरुदेव ना एवी कोई वस्तु नी कदी इच्छा करवी नहीं। गुरु मूर्ति स्मरे नित्यम गुरु नाम सदा जपे, गुरोर्याज्ञा प्रकुर्वत गुरोर्यन्न भावयेत। हम आगे संकेत भाई से अनुरोध करते हैं कि वो हमें दूसरा भजन सुनाकर कृतार्थ करें। मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ हरि आ जाओ, भक्तों की सुनो पुकार हरि आ जाओ एक बार,
मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, रह रह के मुझे तड़पाती है, रह रह के मुझे तड़पाती है, तन मन की सुध बिसराती है, तन मन धन सब दुआर, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है, प्रभु मुझको क्यों तरसाया है, प्रभु मुझको क्यों तरसाया है, ये कैसी तुम्हारी माया है। नित बहती अश्वन धार, प्रभु आ जाओ एक बार। नित बहती अश्वन धार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। जय श्री राम। अब हम सब जिस घड़ी की अत्यंत प्रतीक्षा कर रहे थे, वो शुभ घड़ी आ गई है। अभी श्री गुरुदेव हमको आज के पर्व के अनुरूप संबोधन करेंगे। Voice is coming? No, we cannot hear you. Sorry? We can hear you. We can hear you now. आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। गुरुदेव की आवाज नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। कैन यू गिव द फोन? नहीं आ रही है। नहीं, आई आवाज आई। वॉइस इज कमिंग? यस, वी कैन। इज इट ऑडिबल? यस। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आदि संस्कृति में से अधिक हिंसा करने के भाव को भक्ति देवता
शारीरिक क्रियाएं औपचारिकता है और अंदर की जो हृदय की अभिव्यक्ति उसका महत्व ज्यादा है। प्राचीन इतिहासों में देखा गया परमात्मा हृदय के पवित्र भाव को देखकर ऊपर की क्रियाओं पर विचार न करते हुए अनेक राक्षसों को सदगति प्रदान किए, अंतःकरण की भावना के अंतःकरण जो कि सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, स्थूल शरीर में जो भी घटना घटित होती उससे पूर्व सूक्ष्म शरीर में घटित होती है। हमेशा जब सूक्ष्म जगत के यात्रा करते हैं ऊपर उठे स्कूल जगत को हमने बहुत कुछ देखा है, समझा है, समझने की कोशिश की है, कर रहे हैं, कुछ अंश में समझ पाए, परंतु ये सूक्ष्म जगत इसके विषय में अभी तक बहुत अधिक अनुसंधान नहीं है। भारतीय ऋषि महर्षि पातंजलि ने अपना योग दर्शन इस अंतःकरण मन के विषय में उन्हें करने वाला शास्त्र गुरुदेव नहीं दिखाई दे रहे योग दर्शन छह योग दर्शन का अपना विशेष बहुत कुछ कार्य किया। शरीर से अधिक महत्व मन का है, हम मन की पवित्र भावनाओं के द्वारा अपने आचार्यों को पूर्वाचार्यों महापुरुषों को श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है, गुरु के सद्गुरुदेव भगवान के हमारे ऊपर असंख्य आनंद पा रहे हैं, कहे जाए करोड़ों लोगों के द्वारा भी उन पारों का वर्णन नहीं किया जा सकता। परमात्मा ने हमको पूर्व कर्मों का जीवन दिया, जन्म दिया, जन्म जो जीवन यात्रा के रूप में प्रत्येक क्षण प्रत्येक कदम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। भारतीय ऋषि कहते हैं मृत्यु माम अमृतम बन रहे, हमको मृत्यु नहीं चाहिए, हमको अमृत चाहिए। जीव का स्वभाव जीवात्मा उस परमात्मा का निदांश है, परमात्मा का सनातन अंश है, शाश्वत है। जीवात्मा घटनानुसार
पृथ्वी पे आया, पानी का फल तो भोग ही रहा, परंतु परमात्मा ने उनको एक अवसर दिया। इस अवसर को पाके हम अपने जीवन को आह्लादमय बना सकते, आनंदमय बना सकते, जो हमारा सहज स्वरूप आनंद की प्राप्ति हमको किसी देश विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी काल विशेष में अथवा किसी पदार्थ विशेष से, व्यक्ति विशेष से नहीं करती। ये हमारा स्वरूप है, हम सचित आनंदमय है, परमात्मा सचित आनंदमय है, उसी प्रकार से उसका अंश जीव ये भी सचित आनंदमय है, परंतु माही आवरण के कारण अपने स्वरूप को भूल कर माया में इतना डूब चुका है, इतना तल्लीन हो गया है, वो अपने आप को भूल गया है। हम अपने आप को एक शरीर हार मांस का पुतला समझ गए, और ये जो हार मांस का पुतला है इसके अंदर एक दिव्य जीवन है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर जो है वो अधिक आनंदमय तरंगों से आंदोलित होने वाला समुद्र है। हम उस समुद्र से वंचित है, हम उस समुद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हम बाकी जगत में ज्यादा अंदर का जगत है, बहुत दूर चले हमको एक दिव्य जीवन दिवाली का मृत्यु को सुधार, मृत्यु को सुधारने के बाद अगला जन्म आने वाला जन्म और मृत्यु दोनों काल में ना तो किसी का जन्म है ना किसी की मृत्यु है। जीवात्मा एक विशेष में, एक शरीर विशेष में निवास कर रहा है, इसका बहिर्गमन होता है तो दूसरा शरीर देता है, हमारे प्राचीन इतिहासों में उल्लेख जटाई, भगवान गीता जटाई से कहते हैं मैं आपके शरीर को और बंदी वाला बना देता, उसके नाम और इस भूमंडल निवास कर।
भगवान से प्रार्थना की, निवेदन की प्रभु और उस समय के लिए और इस शरीर को आयुष प्रदान कर देंगे, परंतु एक ना एक दिन ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। आज जो मेरे को मृत्यु प्राप्त हो रही है आएगी या नहीं आएगी कोई सुनिश्चितता नहीं है। इस प्रकार से ही हमारी मृत्यु होगी। यह अवसर जो हमको मिला है अर्थात एक भारतीय नारी की रक्षा करने के लिए जिस आदाई प्रकृति के रावण ने एक भारतीय नारी भगवती सीता उनके ऊपर जो आक्रमण किया, उनका जो अपहरण किया, एक लेकर गंगा की ओर स्नान किया। मैंने अपने शरीर में जब तक क्षमता होगी उसका प्रतिकार किया, उस आतंकवादी को पराजित किया। भगवान कैमरा मूव हो गया है, श्री गुरुदेव का ऊपर का झूला दिख रहा है, गुरुदेव नहीं दिख रहे। उसने मेरे दोनों पंख काट दिए और मैं भूमि पे आया। भूमि पे गिरने के बाद आपका चिंतन करते हुए अभी तक ये जीवन होता और आज देख रहा हूं आपकी गोद में मेरा शरीर है। उस समय इस शरीर से निकलने वाला जीवात्मा आपके चतुर्भुज नारायण के रूप में जीव देह तल धन करीब हुआ अपने विलीन होगा। ऐसी व्यक्ति हम नफ से जो नारायण की ओर आगे अमृत की ओर से नारायण की ओर मेरे को आस्था प्राप्त जीवन का जो ध्येय है जो लक्ष्य है श्री गुरुदेव का कैमरे को ऊपर रखिए भगवान। श्री गुरुदेव का ऊपर का भाग बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आपको शरीर को अचल बना देना हूँ। आप काम ने कहा सब जन्म की परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करके जीव सदगति तो हम आपको केवल इतना बताना चाहते हैं मृत्यु अगर व्यक्ति चाहे सुधार जिसकी मृत्यु सुधर गई तो आने वाला जन्म सुधर जाए
मंदिर बंद समय किस प्रकार की हमारी मानसिकता, हमारे मन में जो इच्छाएं उसके अनुरूप मन को दूसरा शरीर धारण है। गुरु जो है हमको मानने की कला सिखा, जीने की कला सिखा, किस प्रकार से जीवन दिया है, किस प्रकार से हम प्रकृति को प्राप्त करें। अभी शायद कहते हैं ऐसी गाड़ी करते हो हम फंसे गए होंगे, संचित संचित हो गए, इस तरह का त्याग करें, हमारे मन में किसी प्रकार का द्वेष ना हो, ग्लानि ना हो, हम उस स्थिति में शरीर का भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु ये जीव साधना में प्रवृत्त हो गया किसी कारण बस, साधना का जो लक्ष्य है वहां तक नहीं पहुंच सका, तो क्या गति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम सदमार्ग पे चलने वाला व्यक्ति कभी भी गिरता नहीं है, पतित नहीं होता, उसका पतन नहीं होता, जितनी साधना उसने इस जीवन में की आगे आने वाले अवरोधों के कारण कारणों से लोग साधना में रुक गया, उसको दूसरा जन्म मिला। श्री नाम उसकी मकान ये है, पवित्र धन वालों के यहाँ उसका जन्म, अथवा उसका जन्म जो है योगियों के यहाँ जहाँ बचपन से वो साधन में लग जाता है, जो सत्य साधारण को आकर्षित कर रहे हैं, व्यक्ति के मन में एक भाव है कि धन के द्वारा इस भूमंडल के सभी सुख प्राप्त कर सकते हैं। आपके पवित्र धनबाद उस धन के रहस्य को समझ के एक तो मजबूरी का त्याग और एक उपलब्धि का त्याग, एक समझदारी का त्याग, उस त्याग में प्रकट होता है समझदारी का त्याग, समझ से त्याग। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति साधना में प्रवृत्त हो गया, किसी कारणवश साधना में रुकावट आ गई, उसका अगला जन्म सार्थक होगा। तो हम आपको यही बताना चाहते थे, गुरु अर्थात हमको जीने की कला से किस प्रकार से जीवन दिया जाए, किस प्रकार से साधना में प्रवृत्त होके वर्तमान में हम सुखी हों, भविष्य हमारा सुखमय हो, सुखद हो, केवल हम ही सुखी ना, हमारे साथ साथ ये साधु अस्तित्व जो है
सुख शांति की प्राप्ति करें। तो वास्तविक शांति जो कि दिव्यलोक से प्रारंभ होके वो तो शांति यांत्रिक शांति पृथ्वी हम उस शांति की बात करते हैं तो दिव्यलोक से सतलोक से अमृत लोक से प्रारंभ होके अंतरिक्ष में जो मानव विहारिकाएं तारे शांति है उसके साथ साथ पृथ्वी में शांति हो राष्ट्रों में शांति व्यक्तिगत शांति तक हम ऊपर से लेके नीचे तक शांति के चारों अस्तित्व शांति की स्थापना इस प्रकार का एक जीवन है। हम शांति सुखी हो शांति शांति में हो तो सार्वभौम अस्तित्व भी शांति ये जो जीवन की कला है जीने का जो ढंग है ये प्रवेश जिनकी कृपा करना से उस प्रकार का जीवन जी सके उनके चरणों में श्रद्धांजलि भाव पुष्पांजलि शब्द पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए ये आज का गुरु पूर्णिमा का पवित्र पर्व है। आप सब सौभाग्यशाली हो इस विषय में हम बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहते हम केवल इतना कहना चाहते हम गुरु के ऋण से उन्होंने जो हमारे ऊपर कृपा और करुणा की है हेतु की कृपा की उससे वो ऋण तो नहीं हो सकते No, he is not coming. It will be Anjali because his bhajan are done. Yeah, Anjali is about to come. It will be too long. Maro camera baro kuchh. शिष्य धन शोक न हरि गुरु गुरु धन में भरि
लोग अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जैसे गुरु द्रोणाचार्य ब्रिटिशों की भावना से भर के अर्जुन को निवेश बना के पांडवों को निवेश बना के महाराज से अपना प्रतिशोध पूरा कर अच्छे गुरु के जिम्मेदारी देते भगवान को लगा कि ऐसे व्यक्ति को जो अधर्म का साथ दे जीने का अधिकार हम ये बता रहे हैं कि जो गुरु सही सद्भाव से ऐसे तो सब जानते हैं एक पेड़ पे दो पंछी बैठे हमको उसका आर्थिक भौतिक शरीर है और शुद्ध रूप में वो उसने छिपा हुआ है अपने आप को गोपित किया उस परमात्मा ज्ञान चक्षुओं के द्वारा दिखा देते वो गुरु सदगुरु तुम कभी ये नहीं सुनते थे हम साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म है और हमेशा एक ही बात कहते हैं गंगा की तरंगे गंगा से उत्पन्न हुई है गंगा ही है हिंदी तरंगों से गंगा ही इसी प्रकार से जीव जीव है आपके दृष्टिकोण से गंगा और गंगा की तरह में कोई अंतर जो जल तरंग में है वही गंगा में है इसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा से अभिन्न है परंतु वो परमात्मा नहीं है परमात्मा का स्वरूप होते हुए भी उसमें हम चाहे कि बड़ा जहाज दे जाए संभव नहीं है एक बड़ा जहाज भी दे सकते ये जीव जो है दिस इज रियली नॉनसेंस परमात्मा का समष्टि सभी
श्री राम, अभी हम प्रीतेश भाई और परिवार से अनुरोध करते हैं। जय श्री राम। हम अभी अंजलि से अनुरोध करते हैं कि वो श्री गुरु गुरु चरणामृत का गान करके हम सबको कृतार्थ करें। गुरु कृपालुर मम शरणं वन्दे हम सद् गुरु चरणं गुरु कृपालुर मम शरणं वन्दे हम सद् गुरु चरणं मंगलमपि मंगलकरणं वंदे हम सद गुरु चरणं माया मोह जाल हरणं वंदे हम सद गुरु चरणं गुरु कृपालुर मम शरणं वंदे हम सद गुरु चरणं गुरु कृपालुर मम शरणं वंदे हम सद गुरु चरणं योगक्षेम वाहन करणं वंदे हम सद गुरु चरणं अशरण शरणं गुरु चरणं वंदे हम सद गुरु चरणं गुरु कृपालुर मम शरणं वंदे हम सद गुरु चरणं गुरु कृपालुर मम शरणं वंदे हम सद गुरु चरणं वंदे हम सद गुरु चरणं श्री सद गुरुदेव भगवान की जय। अत्यंत धन्यवाद अंजलि। अभी हम प्रीतेश भाई और परिवार से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो हमें धुन सुनाकर कृतार्थ करें। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम चंद्र कृपा नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपदकञ्जारुणं कन्दर्पयज्ञानितयामिलज विनावनीलनीलदशुन्दरं पटकीर्तमा Thank you.
जय श्री राम चरित मानस महापुराण की जय।
जय गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय जय गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय आज के आनंद की जय आज के आनंद की जय आज के आनंद की जय खूब धन्यवाद प्रीतेश भाई और बच्चों, आपने तो ऋषिकेश आश्रम के धुन के वातावरण को मानो डिजिटली तादर्श करा दिया और हमको वहां की अंतर यात्रा कराई। हम यूएस अमेरिका श्री रामानंद संत आश्रम परिवार सभी दर्शकों का हृदय से हृदय पूर्वक आभार प्रकट करना चाहता है आज के सत्संग को हमें ज्वाइन करने के लिए। श्री राम परम पूज्य जगत गुरु श्री स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री दादा गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री रामायणी जी महाराज की जय। मृद मंगलमय संत समाज की जय। पूज्य वडिलो बुजुर्गो सर्व माता पिता गुरु भाइयों बहनों नव युवानों नव युवतियों और बालकों, आज के पवित्र गुरु पूर्णिमा के दिन आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े और इस कार्यक्रम का माहौल बढ़ाया, इसलिए श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम अमेरिका से सब परिवार की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के पीछे बहुत सारे परिवार और उनके सभियों ने दिन रात परिश्रम किया है, उन सबको हमारा धन्यवाद। अंत में एक बात बताना चाहेंगे, हकीकत है कि हम सब शायद 10 मिनट 10 घंटे या 10,000 किलोमीटर दूरी में रहते हैं, लेकिन आज की प्रौद्योगिकी माध्यम से हम दुनिया की कोने कोने में रहते हुए भी क्षण में एक साथ जुड़ सकते हैं और सत्संग कर सकते हैं। हम सब आशा रखते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम और ज्यादा हो और बारंबार हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अमेरिका के परिवार और उनके सभ्य ही भाग ले। हम आप सबको निमंत्रण देते हैं कि आप सब ऐसे कार्यक्रम में भाग ले और जुड़े। चाहे क्यों ना आप ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, भारत में, कनाडा में, इंग्लैंड में, कहीं भी रहते हो, बस अलग अलग देशों की समय की जो आपत्ति है उसका हल निकाल के मिलजुल के ये कार्य करना है। अंत में मेहरबानी करके ये यूट्यूब की जो चैनल बनाई है उस पर आपकी टिप्पणियां कमेंट्स जरूर दीजिए। इस प्रवाह चैनल जो बनी है उसके साथ जुड़कर सब्सक्राइब कीजिए।
ज्यादा पूछताछ के लिए किसी भी हरि भक्त को और गुरु परिवार के मेंबर के साथ कांटेक्ट कीजिए कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सके और जुड़ सके। अंत में फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। और फिर हम सब वापस जल्द से जल्द मिलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।